नमस्कार, मैं हूं तोरल और अभी आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में, जहां पे लोगों ने लॉकडाउन के अगेंस्ट में विरोध किया है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला एक्चुअली हुआ क्या है। अभी हम बात करेंगे नागपुर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता से। आइए जानते हैं कि एक्चुअल मोमिनपुरा में ऐसा हुआ क्या कि यहाँ पे इतनी खलबली मच गई। आइए जानते हैं। मैं नागपुर कांग्रेस की तरफ से मोहित शेख। आज आप हालात को देखते हुए, इस कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए, जगह जगह लोग बीमार पड़े हैं, परेशान हैं। कुछ लोग बीमारी से परेशान हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बीमारी से परेशान हैं। हम इस बीमारी को एक्सेप्ट कर, हमें पता है कि ये बीमारी है, कोरोना जैसी बीमारी है, मगर इस बीमारी से, लॉकडाउन से, इस बीमारी का हल नहीं है। आज आप देख रहे हो, जैसे मोमिनपुरा हमारा मोमिनपुरा क्षेत्र है, मोमिनपुरा क्षेत्र में हर दुकानें बंद है और हर जितने भी लोग दुकानदार है आज रोडों पर बैठे हैं। इस बीमारी से सभी लोग परेशान हैं, मगर इस कारोबार से भी वैसे भी मर रहे हैं। आज गरीब जनता है, ये जो बेचारी रोज़ कमाने खाने वाली गरीब जनता है, इनका क्या होगा? आज आप देख सकते हैं बेचारे किस तरीके से परेशान है और किस तरीके से उसके कारण सभी हमारे ऐसे हमारे कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ अधिकारी है जो कि गलत इस लॉकडाउन का गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे कि लोगों से पैसे मांग रहे हैं। आप देख सकते हो जो आज हंगामा हुआ, तमाशा हुआ इस मोमिनपुरा क्षेत्र में, चूड़ी गली में एक पुलिस वाला जो कि गालियों से बात कर रहा है, जनता से गालियों से बात कर रहा है, कुछ बड़े बुजुर्ग ज़ईफ़ लोगों को मार रहा है, डंडे से मार रहा है। तो ये लॉकडाउन का ये इसका हल नहीं है, ये गलत तरीका है, कानून का ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। मैं जनता के तरफ से, जो जनता जो बेचारी परेशान है, आज इनके लिए आज हम लाइव आए हैं और हम यही चाहते हैं सरकार से कि प्लीज़ ये लॉकडाउन को हटाया जाए और इस लॉकडाउन से लोगों को आज़ाद करें, इसका कुछ और तरीका निकाले, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन दे, मगर प्लीज़ इस जैसी इस लॉकडाउन को, लोगों को लॉकडाउन को हटाए। धन्यवाद। कोरोना तो इतना बढ़ रहा है, इतने पेशेंट है जिनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनका कैसा? वैसे भी जनता आप देख सकते हो रोडों पे बेखौफ घूम रही है, जनता को लॉकडाउन से कोई मतलब ही नहीं, इस लॉकडाउन से कुछ हल ही नहीं निकला जनता का। आप देख रहे हो मजमा कितना है, आप खुद ही देख सकते हो, जगह जगह व्यापारी परेशान है, हर बड़ी जैसे क्षेत्र में, इतवारी जैसे महल जैसे हर क्षेत्र में जनता रोड पे बेखौफ घूम रही है। उनको इस लॉकडाउन से, इस बीमारी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बेचारे वैसे ही मर रहे हैं वो, जो बेड, और गरीबों के लिए वैसे भी गरीब जनता वैसे भी हॉस्पिटल में जा रहे तो बेड नहीं है, और ये वैसे भी गरीब जनता का मरण दोनों तरफ से हो रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये लॉकडाउन खुला जाए और हफ्ते में इसका कोई और उपाय दिया जाए, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन दिया जाए। धन्यवाद। मैं महानगर पालिका से निवेदन करता हूँ, जो COVID-19 के पेशेंट के लिए ये महामारी तो है जिससे लोगों को दिक्कत जा रही है, ऑक्सीजन की दिक्कतें जा रही है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, मेवा में, मेडिकल के अंदर, प्राइवेट के अंदर लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन जो हम जैसे गरीब लोग हैं ये कैसा जाएंगे? ये बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अब मेवा में और मेडिकल में जाओ तो वहाँ बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं है, लोग डॉक्टर लोग इधर उधर भेज रहे हैं, पेशेंट इसमें इंसान की मृत्यु हो जा रही है, इसमें बहुत सारी परेशानी जा रही है। और ये लॉकडाउन जो लगाया है, लोगों को आज खाने के लिए लोग मोहताज है, इससे क्राइम बढ़ेगा, लोग चोरी चपाटी करेंगे। आप बोल रहे हैं कि लॉकडाउन करो लोगों को समझाने के लिए, लेकिन इसका रीज़न दूसरा निकालना चाहिए। बैठ के जो भी है, हमारे जो नागपुर के CP महानगर पालिका ऐसा मिल के जो कमेटी है, वो बैठ के इसका एक विचार करना चाहिए कि लॉकडाउन कैसा लगाया जाए, लोगों की जो समस्या उसको भी हल करना चाहिए। जो मेवा के अंदर एक बेड के ऊपर 2-2 पेशेंट दिख रहे हैं, पहले सबसे पहले तो वो हल करना चाहिए। दूसरा, जो गरीब तबका है, जो ऑटो जैसे हमारे जहरू भाई, अस्पाक भाई और भी जितने ये लोग हैं, सभी की रोजी रोटी, रोज़मर्रा, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले लोग हैं। आज लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा और आप लॉकडाउन लगा रहे, एकदम से ऐसा नहीं होता, आपको इत्तला करना पड़ेगा। फिर ऐसा है तो फिर महीनेवारी लोगों को पहले बांधा जाए, राशन पानी किट दिया जाए, उसके बाद लॉकडाउन किया जाए, तो हम फुल सपोर्ट आपका करेंगे। लेकिन आज ये जो ऑटो चलाता है वो महीने की इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेगा? जो इंसान किराएदार है, आज जहरू भाई यहाँ किराए से है, तो ये महीने का किराया कहाँ से देगा? घर मालक तो किराया लेके रहेगा ना, वो एक दिन आगे पीछे करेगा 10-15 दिन, लेकिन लोगों से किराया देना पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और महानगर पालिका और जो भी जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ ये लॉकडाउन के बैठ के विचार किया जाए और लोगों की जो समस्या उसको हल किया जाए। बहुत लोग परेशान हैं, इसके वजह से ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी घटना घटे, लोग
आपस में ना इत्तेफाकी हो, प्रशासन से भिड़ जाए आपस में जैसा दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका जो स्टार चैनल है उसके मार्गदर्शन से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी आवाज़ आगे से आगे पहुँचाया जाए और इस लॉकडाउन का सही से इंतजाम समर्थन हम करेंगे, लेकिन इसका उपाय आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसा सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन बोले थे, इसको फुल लॉकडाउन किया जाए, और नाइट कर्फ्यू बोल रहे तो उसका भी नाइट कर्फ्यू किया जाए। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि 31 मार्च तक का पूरा लॉकडाउन रहेगा, तो लोग कहाँ से खाएंगे? लोग रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, लोगों को रोज़ कमाना रोज़ खाना, वो कहाँ से करेगा? एक गरीब तबका, एक मीडियम जो है, वो कहाँ से खाएंगे? जो पैसे वाला है उनका चल जाएगा, लेकिन गरीबों का हल कैसा निकलेगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्लीज़ कि पहले सबसे पहले हमारे को हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जा रहा है उनका पहले इंतज़ाम करो। ये महामारी में गरीबों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन वेंटिलेटर का बहुत ज़रूरत है। अभी जमात इस्लामी हिंद ने पाँच पौली के पास जो लिए 80 बेड का, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम है लेकिन वेंटिलेटर का इंतज़ाम नहीं है। तो महानगर पालिका जो हमारी गवर्नमेंट है, उनसे निवेदन है कि सबसे पहले वो करा जाए, वरना ये महामारी तेज़ी से फैलेंगी। लोगों को दिक्कतें जा रही है, बहुत परेशानी जा रही है। यहाँ पर मेवा के अंदर बेड नहीं मिल रहा है, मेवा वाले मेडिकल में जा रहे हैं, और बाहर में प्राइवेट वाले 1,00,000 रुपये डिपॉजिट मांगते हैं पर डे, 15,000 पर डे, 18,000 रुपये पर डे आईसीयू का चार्ज, तो गरीब जनता कहाँ से ला के देंगी? इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस लॉकडाउन का उपाय करें और जो महामारी है उसका भी इंतज़ाम करें। इससे कहते हुए दो लफ्ज अपने मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। सर एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, पता नहीं पूरा मामला जो है क्या हुआ, मीन्स ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ। जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम लोग व्यापारी वर्ग है वो ये चाहते हैं कि भाई पूर्ण लॉकडाउन ना लगाया जाए। हम लोग पूर्ण लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। बाकी यहाँ जो जिला प्रशासन है इनकी तरफ से कोई स्पष्ट रूप से गाइडलाइन नहीं आई है कि आप ऐसा करो या वैसा करो। कोई भी अधिकारी या प्रशासनिक व्यक्ति जो है तो ऐसे जिम्मेदारी लेके नहीं बोलता है कि भाई बाय ऑर्डर आप बंद कीजिए। हम लोग बहुत कंफ्यूज में, हम लोग अगर जिला प्रशासन स्पष्ट रूप से ये निर्देश देता है कि अगर पूर्ण लॉकडाउन ही करना है, यही एक आखिरी विकल्प बचा है, तो हम उसमें भी सहमत है। उसमें सब चीज़ बंद होने को, उसमें फिर सब चीज़ बंद होना चाहिए। ये लॉकडाउन, इस बार का जो लॉकडाउन है, ये व्यापार को बर्बाद करने वाला लॉकडाउन है, तो ये असहनीय है हमारे। और कम से कम इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई इसके बाद में होगा कैसा। ये अगर मुख्य रूप से इससे बीमारी पूरी तरीके से कवर हो जाती है तो फिर ठीक है, कौन मरना चाहता है, हर आदमी बचना चाहता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ का माहौल देख के ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब कोरोना से डरता है घर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैडम, जैसे मैं मास्क लगा के नहीं बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे सोशल डिस्टेंसिंग लेके बैठा हूँ, है कि नहीं? आप क्योर कर रहे हैं, आपने मास्क लगाया, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। सैनिटाइज वगैरह देखिए, हमारे यहाँ पहली बात तो गिराकी नहीं है, ऐसी जो हवा उड़ गई है लॉकडाउन लॉकडाउन की, तो हम लोग तो खाली यहाँ टाइम पास कर रहे हैं सीधी बात। ऐसे खोल के बैठने में भी कोई मसला नहीं हमारा, तो घर यहाँ है तो भाई चलो घर में बैठने से अच्छा यहाँ बैठ जाते। लेकिन एक बात आप ये बताओ कि ये जो लॉकडाउन है ये कोई पर्याय है कोरोना की बीमारी को रोकथाम का? जिला प्रशासन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो मूलभूत सुविधाएँ देना चाहिए पेशेंट को, आप हॉस्पिटल में जाके देखो, अभी हमारे कुछ रिलेटिव ऐसे हैं जो कि बेड के लिए भटक रहे, जो 5-5, 6-6 लाख रुपए लगाने के बाद में अब हाथ उठा दिए, उनको हॉस्पिटल से निकाल दिए कि आप जाओ सरकारी में। तो सरकारी में भी बेड उपलब्ध है क्या? ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे, कितनी छोटी बात है। यानी कोरोना के संक्रमित वैसे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोरोना के संक्रमित बढ़ रहे हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसमें पब्लिक की भी लापरवाही है। लेकिन सिर्फ कारोबार और जो छोटी मध्यम वर्गीय दुकानें बंद करने से ही अगर कोरोना ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, चलिए अभी बंद कर देते, एक महीना बंद कर देते। तो अभी जो पुलिस वालों ने जो किया यहाँ पे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, देखिए वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और पब्लिक जो है अपना आक्रोश बता रही थी। अगर आप हमारी जगह बैठ के देखिए और आपको कंटिन्यूसली अगर 30 दिन के लिए बोल दिए कि आप बगैर पैसे के बैठ जाओ तो आप बर्दाश्त करोगे? आपके पीछे थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा ना, खाना पीना, बाल बच्चे, घर परिवार, आप बर्दाश्त करोगे? तो पुलिस वालों ने जो करे वो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी, और हमने जो बताया वो हमारा आक्रोश था, हमारा गम था, हमारी तकलीफ थी। तो प्रशासन ने दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को फॉलो करवाना चाहिए। कुछ टाइम हमको भी दो, कुछ टाइम बीमारी को भी दो।
नहीं, लेकिन जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, मेडिकल की जो चीज़ें हैं, बस वही चालू रखने के लिए बोला है मन पर। ऐसा नहीं है, ये खाने पीने की ये दवाई किराना सब्जी मटन ये चालू रखने के अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन सेवा के नाम पे जो भी गहमा गहमी है, जैसे अभी उसमें सब आइटम मिल जा रहा है, हर चीज़ अवेलेबल, दारू मिल जा रही है, ऑनलाइन मिल जा रही है। नहीं, ऑनलाइन दारू अभी नहीं मिल रही है ना, जब तक प्रशासन की तरफ से कुछ ऑर्डर नहीं आते तब तक ऑनलाइन दारू बंद है। कैसा है, बोलने की बातें कुछ और रहती है और वास्तविकता कुछ अलग रहती है, आपको भी समझता है, प्रशासन को भी समझता है, मुझे भी समझता है। उस चीज को तो भरे लॉकडाउन उन्होंने चालू किया है, आपको बंद कैसे कर देंगे? लॉकडाउन को लॉकडाउन जैसा आप फॉलो करवाइए, रोड पे पूरी खचाखच भीड़ है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे भीड़ है, तो ये हमारा कहना है कि भाई दुकान और कारोबार को भी थोड़ा समझते हुए। मोमिनपुरा के लोगों ने अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि मनपा प्रशासन की तरफ, जो कि वो ये लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं चाहते, अगर वो लॉकडाउन होगा तो ऐसे ही पुलिस वालों से इनपा से या लोगों का जो है वो विवाद और भी बढ़ता जाएगा इस लॉकडाउन के लिए। तो आपने अभी देखा मोमिनपुरा की रिपोर्ट, मैं हूँ तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव।